हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यू आर वॉचिंग गगन श्रात व्लॉग्स। राम राम, आदाम, सत श्री अकाल सभी भाइयों ने। सो आज की वीडियो में बात करेंगे हम हीरो की जो बाइक आती है एक सीडी डिलक्स, उसके बारे में। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड घंटे के आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हीरो की तरफ से सबसे सस्ती बाइक आती है, और ये जो बाइक है जिसका मैं आज रिव्यू कर रहा हूँ, यह है 2012 मॉडल। अभी तक इस बाइक में कोई भी दिक्कत नहीं है। इसका माइलेज भी लगभग 60 के आसपास है और काफ़ी अच्छी पावर इसके अंदर देखने को मिल जाती है, क्योंकि इसका जो वजन है स्प्लेंडर के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। और इस बाइक में आपको सेल्फ स्टार्ट और किक स्टार्ट दोनों की फैसिलिटी देखने को मिल जाती है। जिस बाइक का आज मैं रिव्यू कर रहा हूँ, ये बाइक लगभग 40,000 प्लस किलोमीटर चल चुकी है, और अभी तक भी इस बाइक का जो इंजन है काफ़ी दमदार है। अगर गलती से कोई हैवी बंदा पीछे बैठ जाए तो उसका जो फ्रंट टायर है, अगर आप हल्का सा एक्सीलेट कर देते तो उठ जाता है। तो उसके अंदर पावर भी काफ़ी अच्छी है। मैंने स्प्लेंडर भी चलाई है, पैशन भी चलाई है, बट उसके मुकाबले ये मुझे बाइक ज़्यादा अच्छी लगी। हाँ, इसकी जो वजन है वो थोड़ा सा कम है, उसकी वजह से कभी कभी थोड़ी दिक्कत हो जाती है, बट लोकल के लिए बेस्ट बाइक है। मेंटेनेंस बहुत ही लो है, और सब कुछ आप ये समझ सकते हो कि स्प्लेंडर में से थोड़ा सा वजन निकाल के थोड़ा सा मॉडिफाई करके इसको बना दिया है, एंड दैट इज सीडी डिलक्स। इसका जो मीटर कंसोल है वो भी सिंपल देखने को मिलता है, जैसे स्प्लेंडर में आता है। हालांकि जो पैशन या ग्लैमर वगैरह आती है उसमें आपको सेमी डिजिटल देखने को मिल जाता है, और इसमें आपको फुल्ली एनालॉग मीटर देखने को मिल जाता है। ये भाई इसको खेत वगैरह में जाने के लिए यूज़ करते हैं। इसमें कभी कभी ये काफ़ी हैवी सामान भी ढो लेते हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी गंदी हो रही हैं, जैसे खेत में पानी वगैरह के लिए रात को कभी ले जाना हो। इन भाई ने इसको थोड़ा मॉडिफाई कराया था। पहले इसके जो टायर थे ग्रीन थे, बट जो चलान वगैरह के लिए इनको एक बार वार्निंग मिली थी, इसलिए भाई ने इसका जो चेंज करा लिया। और हमें भी जब हम मॉडिफिकेशन कराते हैं तो इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि हम अकॉर्डिंग टू लॉ रहें, हमें भी कोई भी लॉ को ब्रेक नहीं करना है, और उसी के अंदर अपनी बाइक को जो मॉडिफाई कराना है। इस बाइक के ऊपर आप ब्लैक टेपिंग देख सकते हैं, क्योंकि इस बाइक का जो कलर है आरसी में वो ब्लैक ही है, सो इसलिए भाई ने इसको ब्लैक ही रखा है, कोई भी चेंज नहीं कराया। हाँ, इसकी सीट को चेंज कराया था, थोड़ी सी जो सीट है कंफर्टेबल है। अगर आपको सीट इस तरह की बनानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर बहुत सस्ती बन जाती है। अब बात करते हैं बाइक की थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। इस बाइक में आपको 97.2 सीसी का इंजन देखने को मिल जाता है, जिसमें पावर है 8 बीएचपी की और टॉर्क है 8 न्यूटन मीटर का। इसका वजन जो 112 केजी है। इसमें फ्रंट और रियर में आपको 2.75 एंड 18 इंच के टायर देखने को मिल जाते हैं फ्रंट और रियर में। इस बाइक का जो फ्यूल टैंक है वह 9.5 लीटर का। इस हिसाब से आपको लगभग 550 किलोमीटर की रेंज मिल जाती है, और ये लोकल के लिए या कभी कभी लॉन्ग टूर के लिए भी आपके लिए एक अच्छी बाइक साबित हो सकती है। सो आई होप आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नाइस टू सी ऑल। जय हिंद, वंदे मातरम। कीप सपोर्टिंग एंड कीप लविंग।